तो हम आ चुके हैं हमारे बंगाल थंडर्स वर्सेस विदर्भा स्टार्स के मैच में और शुरुआत होने जा रही है इस कमाल के मैच की। टॉस में हम हर बार की तरह हेड्स चूज़ करेंगे और बिल्कुल हेड्स हमने चूज़ कर लिया है और हर बार की तरह हम टॉस जीते ये भी हम चाहेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर हम टॉस हार चुके हैं और विदर्भा स्टार्स की टीम के कैप्टन ने टॉस जीत कर किया है बॉलिंग का फैसला। हम आ रहे हैं पहले बैटिंग करने और स्ट्राइकर एंड पर हम खुद ही रहेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है एस सक्सेना को और थोड़ा सा स्टैट्स देख लिया जाए, ये तो हम खुद ही हैं दुबे जर्सी नंबर 29 और ये हैं जो हमारा साथ देने के लिए मौजूद रहेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और पहली ये बॉल है, पहली बॉल पर हम हर बार की तरह एक सिंगल लेंगे और स्ट्राइक रोटेट करेंगे और स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आएंगे एस सक्सेना को। और जैसा कि हम हर बार करते हैं कि शुरुआत में थोड़ी सी बैटिंग जो है वो दूसरे प्लेयर्स को देते हैं ताकि वो थोड़ा एक जितना वो बना सकते हैं उतना बनाएं, उसके बाद तो फिर हम हैं ही। यहाँ पर एक लॉफ्टेड शॉट है और ये बाउंड्री रोप वाला कैच और बिल्कुल ये क्या कमाल का कैच था। और इस कैच के साथ पहली बॉल पर हमने एक सिंगल लिया पर दूसरे प्लेयर की ये पहली ही बॉल थी और उस पर विकेट चला गया। ये छक्का हो सकता था और ये बिल्कुल छक्का ही था और बाउंड्री रोप पे ऐसा कमाल का कैच पकड़ा और उसको फिर रोप के अंदर थ्रो किया और फिर अंदर आकर के कैच, ये तो बिल्कुल मज़ेदार एनिमेशन था। और यहाँ पर फिलहाल ये दूसरी बॉल सामने की तरफ, ये शॉट है और छक्का होना चाहिए और बिल्कुल हुआ है। और इस छक्के के साथ यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स की तरफ से बाउंड्री की शुरुआत हो चुकी है। ये गुड लेंथ की बॉल है, देखना होगा क्या होता है। पीछे की तरफ ये शॉट है, एक सिंगल मिलना चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर एक सिंगल मिला है। 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक के, 2 बॉल अभी भी बची हुई है। यहाँ पर स्ट्राइकर एंड पर हम मौजूद हैं फुल टॉस। ये बॉल पीछे की तरफ, ये शॉट है और एक सिंगल मिल सकता है, देखना होगा। डबल नहीं, यहाँ पर डबल का चांस बिल्कुल नहीं था और हमने यही सही समझा कि अभी रन आउट हो जाते अगर हम डबल के लिए भागते तो। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है और गैप में ये शॉट नहीं खेल पाए और 9 रन आए हैं इस ओवर में टोटल और इस ओवर की समाप्ति हो गई है। एक विकेट भी आया जो कि वो कमाल का विकेट रहा, बाउंड्री रोप पर कैच पकड़ा है एस सक्सेना का और एस वर्मा जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। अब इस अगले ओवर को डालने के लिए एस दत्ता आ रहे हैं और ये कैसा ओवर डालेंगे हम देखना चाहेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर स्ट्राइकर एंड पर हम ही मौजूद हैं। ये बॉल को हम वैसे लीव नहीं करने वाले थे पर टाइमिंग हमारी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई, वो शॉट को हम जज नहीं कर पाए कि किस तरफ खेलें, तब तक वो बॉल निकल गई। यहाँ पर हमने सोच लिया पीछे की तरफ ही हमने शॉट खेला, परफेक्ट ये टाइमिंग के साथ खेला हमने और एक सिंगल बटोरा और इस एक सिंगल के साथ 4 बॉल और 3 रन। और सामने एस सक्सेना जो है वो 3 बॉल खेल चुके हैं और 7 रन पर हैं। सामने की तरफ ये शॉट है और ये भी छक्का है और इस छक्के के साथ 13 रन पर पहुंच चुके हैं एस वर्मा और हमारी टीम बंगाल थंडर्स की टीम पहुंच चुकी है 16 रन पर। और अगर यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लाइक करिए इस वीडियो को और दूसरी बात इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना मज़ेदार ये मैच रहने वाला है बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और फिलहाल यहाँ पर एक नो बॉल हो चुकी है और फ्री हिट वाली जो बॉल है उसको खेलने के लिए मौजूद कौन है वो देखना होगा। तो फ्री हिट वाली जो बॉल है उसको खेलने के लिए यहाँ पर एस वर्मा खुद ही मौजूद है, वहाँ पर एक भी सिंगल नहीं मिल पाया। यहाँ पर फ्री हिट पर ये शॉट है और छक्का है ये फ्री हिट पर और इस छक्के के साथ कुछ रन्स और जुड़ चुके हैं एस वर्मा के स्कोर कार्ड में। और यहाँ पर क्या लॉफ्टेड शॉट खेलने को जाएंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर गैप में खेला इन्होंने ये शॉट और इस शॉट के साथ एक सिंगल निकाल लिया हमने। पहले ओवर में मात्र 9 रन आए थे और इस ओवर में एक ठीक ठाक रन आ गए और ठीक ठाक मतलब 15 रन आए हैं, तो 15 रन एक ओवर में आना हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। 8 बॉल में 20 रन पर खेल रहे हैं एस वर्मा और सामने जो कि हम हैं वो 4 बॉल में 3 रन पर हैं अभी, पर ठीक है। यहाँ पर फिलहाल टीम का टोटल स्कोर देखना ज़रूरी है बजाय इसके कि हम खुद का एक स्कोर देखें। तो फिलहाल ये सामने की तरफ शॉट है, एक सिंगल ले लिया हमने और वापस से हम स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। 4 बॉल में 3 रन,
यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश, सिंगल या डबल क्या मिल सकता है, सिर्फ एक सिंगल ही, और इस एक सिंगल के साथ 5 बॉल 4 रन। अब डॉट बॉल्स हम खेल रहे हैं, सिर्फ एक, बाकी हर बॉल पर हमने सिंगल लिया है, तो ये चीज़ हाँ ठीक है, इतना तक तो माना ही जा सकता है। यहाँ पर फिलहाल गैप में ये शॉट है, एक सिंगल आसानी के साथ मिलना चाहिए और बिल्कुल मिला है, और इस एक सिंगल के साथ 3 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक के। यहाँ पर फिर से फुल लेंथ की बॉल और पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, टाइमिंग ये परफेक्ट है, गैप में ये शॉट है, दूसरे रन की कोशिश है और पहुँच तो जाना चाहिए और बिल्कुल पहुँच गए हैं। अगर ये थ्रो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता ना तो बहुत ही ये मामला करीबी हो सकता था। यहाँ पर फिर से पीछे की तरफ शॉट और क्या कमाल का घूम करके शॉट लगाया इन्होंने, और एक पैर पर खड़े होकर घूम करके इतना कमाल और इतना खूबसूरत शॉट, और इस शॉट के साथ बिल्कुल एक चौका बटोरा, एक बाउंड्री बटोरी है। यहाँ पर फिलहाल लॉफ्टेड ये शॉट और ओहो हो, टाइमिंग जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, टू लेट ये टाइमिंग रही। अभी तक के हम 2 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, 8 बॉल में 10 रन, 125 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से अभी तक के हम खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एस वर्मा जो हैं वो खैर क्या कमाल ही कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं वो। यहाँ पर फिलहाल गैप में एक शॉट है और इसे एक शॉट के साथ एक सिंगल मिला, और वापस से हम आ चुके हैं स्ट्राइकर रन पर। अभी भी यहाँ से मैच जो है वो 11 बॉल का बचा हुआ है, तो 11 बॉल में तो मैच कहीं भी पलट सकता है। यहाँ पर अर्ली टाइमिंग के साथ ये शॉट है, और लॉफ्टेड शॉट नहीं था ये, बजाय इसके ये टाइमिंग इतनी ज़्यादा अर्ली हो गई कि वो बॉल 2 टिप में बाउंड्री के बाहर गई, और खैर क्या कमाल का ही ये शॉट लगा। यहाँ पर फिलहाल एक चौका मिल चुका है हमें, यहाँ पर फिर से टाइमिंग अच्छी है, परफेक्ट ये टाइमिंग है, पर सिर्फ एक सिंगल ही हमने लिया है। डबल की हाँ कोशिश हम कर सकते थे, पर हम नहीं चाहते कि लास्ट मोमेंट पर हम आउट हो जाएं, रन आउट हो जाएं और एक अच्छा फिनिश ना कर पाएं। यहाँ पर फिलहाल 3 बॉल अभी भी बची हुई है, सामने की तरफ ये शॉट और डॉट रही ये बॉल, 12 बॉल में 23 रन, और सामने हम जो हैं 10 बॉल में हमने 15 रन बनाए हैं। फुल लेंथ की ये बॉल है और पीछे की तरफ ये शॉट है, एक सिंगल मिलना चाहिए और बिल्कुल मिला है, और इस एक सिंगल के साथ अब वापस से हम स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। पर हम ये चाहेंगे कि अगले ओवर में स्ट्राइक हमारे ही पास है। फुल लेंथ की ये बॉल, पीछे की तरफ ये शॉट है, एक सिंगल मिलना चाहिए और बिल्कुल मिला है, और अगले ओवर में स्ट्राइक जो है वो हमारे ही पास रहेगी। 11 बॉल अभी तक की हमने खेली हैं, 16 रन हम बना चुके हैं, और हमारी टीम के स्कोर के बारे में हम बात करें तो 41 रन्स है टीम का स्कोर, और अच्छा खासा अभी तक के मैच चल रहा है। आखिरी ओवर जो है वो निर्णायक रहने वाला है, और वो इस वजह से कि देखना होगा कि आखिरी ओवर में हम कितने रन्स बना पाते हैं। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट पीछे की तरफ खेलने की कोशिश, टाइमिंग ये परफेक्ट है और छक्का होना तो चाहिए, बिल्कुल। इस छक्के के साथ अब जो स्ट्राइक रेट है ना वो हमारा थोड़ा बढ़ चुका होगा, और हम देखना चाहेंगे कि कितना बढ़ा है, तो 12 बॉल में 22 रन इतना तो बढ़ चुका है। यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट, शॉट सामने की तरफ है, टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर एक डबल मिल सकता है और बिल्कुल यहाँ पर ओके, ये पहुँच गए हैं हम, बिल्कुल ये हम नहीं थे, वैसे एस सक्सेना थे और वो हमें समझा रहे हैं कि इतने ज़्यादा सिंगल को डबल में बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक रन्स बन चुके हैं। पर हम यहाँ पर फिर से एक लॉफ्टेड शॉट खेलेंगे, इस बार सामने की तरफ है, टाइमिंग ये परफेक्ट है और कमाल का ये छक्का है, और इस छक्के के साथ 30 रन पर हम पहुंच चुके हैं। इस ओवर की जब हमने शुरुआत की थी तब हम कुछ 16 रन पर थे। यहाँ पर फिलहाल एक और ये लॉफ्टेड शॉट है, टाइमिंग इसकी भी परफेक्ट है और ये भी छक्का है। इस ओवर में हम 3 छक्के लगा चुके हैं और 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं, कमाल का ये ओवर चल रहा है। 61 रन बना दिए हमने अभी तक के, और ये अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है इस क्लब मैच में। और यहाँ पर एक और लॉफ्टेड शॉट और ये भी छक्का, लगातार 3 छक्के लगाए हैं हमने, एक ओवर में 4 छक्के, और आखिरी बॉल देखना होगा कि आखिरी बॉल पर भी छक्का लग सकता है या फिर लॉफ्टेड शॉट खेलने के चक्कर में विकेट ना चला जाए, चौका सिंगल डबल क्या सारी चीज़ें होंगी।
आखिरी ये बॉल है, फुल लेंथ की ये बॉल है, लॉफ्टेड शॉट, लेट ये टाइमिंग और बिल्कुल यहाँ पर एक और बाउंड्री निकाली है हमने, और इस बार छक्के के रूप में नहीं पर चौके के रूप में ये रन्स आए हैं और अभी तक का ये हमारा बेस्ट स्कोर है। और 46 रन्स बना दिए हमने 17 बॉल में, 4 छक्के 3 चौके, और क्या तेज़ी के साथ हम खेले हैं। और आज के मैच में 72 रन्स का एक टारगेट मिला है। अब ये टारगेट तो बिल्कुल वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर अब देखना ये होगा कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला कोई प्लेयर विदर्भा स्टार्स की टीम में है या नहीं। यहाँ पर फिलहाल पहला ओवर डालने के लिए हम खुद ही आ चुके हैं और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो हमारा 1 विकेट और 9 रन हमने दिए होंगे किसी मैच में, तो वो है। यहाँ पर फिलहाल पहली ये बॉल और गुड लेंथ की ये बॉल है, लॉफ्टेड ये शॉट और पहली ही बॉल पर छक्का लग चुका है, हमारी पहली बॉल पर छक्का लग चुका है पर। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि WCC3 के कैरियर मोड के आगे और बहुत सारे एपिसोड्स जो हैं वो आने वाले हैं। और क्लब मैच अगर आपने यहाँ तक के देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WCC3 के कैरियर मोड का, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस ओवर की ये चौथी बॉल और ओहो हो, यहाँ पर एक रन मिल सकता है और बिल्कुल ये एक रन के लिए भागे और पहुँच भी जाएंगे, तो 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक के, विकेट तो खैर कोई आया ही नहीं है। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की ये बॉल है, गैप में ये शॉट है और एक और रन मिलता हुआ, और इस एक रन के साथ 8 रन पर पहुँच चुकी है विदर्भा स्टार्स की टीम। पर इस स्ट्राइक रेट के साथ, इस रन रेट के साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 24 बॉल में यहाँ से अभी बहुत सारे रन चाहिए और 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन चाहिए। क्या आप ये काम करने में समर्थ हैं? अगर हैं तो इसी ओवर में दिखाना होगा, और अगर इस ओवर में नहीं दिखा पाए तो फिर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका होगा। और एस बोस जो हैं वो आ रहे हैं इस ओवर में बॉलिंग करने के लिए। फुल लेंथ की ये बॉल है, सामने की तरफ ये शॉट है और कमाल का ये शॉट है, छक्का यहाँ पर हुआ है और इस छक्के के साथ अब 23 बॉल में 58 रन्स चाहिए। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की ये बॉल और गैप में ये शॉट, और इस गैप के शॉट के साथ एक बाउंड्री नहीं, एक रन या सिंगल डबल वो सारी कुछ चीज़ें नहीं, बल्कि हमें मिला है एक विकेट, और ये तो कमाल का सीन हो गया। एम सई ने ये कैच पकड़ा और बहुत ही मज़ेदार ये कैच था, और जैसा ये शॉट था ना, ये कोई सिंगल डबल या वैसा कुछ करने नहीं गए, इस शॉट से ही दिख रहा था कि ये सिर्फ वहाँ पर एक डिफेंस करने को जा रहे थे, डिफेंस करने के बारे में सोचा उन्होंने, पर वो काम करने में भी वो समर्थ नहीं रह पाए। 21 बॉल में 58 रन्स, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगभग 17 का हो चुका है। यहाँ पर ये एक और डॉट बॉल, और अब जो है रिक्वायर्ड, ओके नो बॉल है ये। ये नो बॉल कैसे डाल सकते हैं? आपने इतना बड़ा टारगेट दिया, इतना बड़ा एक लक्ष्य दिया सामने वाली टीम को चेज करने के लिए, और अगर आप बॉलिंग ख़राब करेंगे तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर फिलहाल फुल लेंथ की ये बॉल है और ओके, अब जाके एक डॉट बॉल हुई फाइनली, और इस एक डॉट बॉल के साथ जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 17 के पार जा चुका है, 17.10 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है। यहाँ पर एक सिंगल या डबल क्या होगा देखना होगा, और सिंगल यहाँ पर बिल्कुल लिया है, और इस एक सिंगल के साथ 19 बॉल्स में 56 रन्स। ये काम बिल्कुल भी अब नहीं हो सकता। फुल लेंथ की ये बॉल है, गैप में ये शॉट नहीं खेल पाए हैं, और इस एक शॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर का ये मैच अभी तक के हुआ है, 18.67 का रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है, और अगर ये चीज़ करना हो ना तो ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बाकी तो हमें नहीं याद आ रहा कोई ऐसा प्लेयर इस गेम में जो कि कर सकता हो। और फिलहाल यहाँ पर एक गैप में शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, लॉफ्टेड शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, और ऐसा अगर ये खेलेंगे तो काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से फुल लेंथ का ये बॉल और डॉट रही ये बॉल भी। अब यहाँ से
मैच कुछ ऐसे मोड़ पर जा चुका है, मतलब अगर इस मैच की हम बात करें तो कितना कुछ 15 या 16 बॉल बची हैं, 16 बॉल, और 16 बॉल में 56 रन, और इसे एक सिंगल के हो जाने के साथ अब 55 रन चाहिए 15 बॉल में। यहाँ पर ये बॉल भी डॉट रही है, और ये वाला जो ओवर है ये ओवर बिल्कुल कमाल का जा रहा है, एल आरव का ये ओवर। ये फुल लेंथ की बॉल सामने की तरफ, ये शॉट है और छक्का यहाँ पर फाइनली लगाया है इस प्लेयर ने, और इस छक्के के साथ अब 49 रन चाहिए, और अगर यहाँ पर बची हुई बॉल में कुछ और रन्स आ गए तो शायद कुछ चांस बन सकता है। ये आखिरी बॉल है इस ओवर की, और फुल लेंथ की ये बॉल है, यहाँ पर भी छक्का हो सकता है, बिल्कुल ये तो जस्ट बाउंड्री रोप को पार कराया है, और इस बाउंड्री रोप को पार कराने के साथ यहाँ पर एक छक्का बटोरा है उस प्लेयर ने, और 29 रन्स, 1 विकेट, और अभी यहाँ से 12 बॉल का मैच बचा हुआ, और बची हुई 12 बॉल में इतने रन्स बनाना, क्या ये काम कर पाएंगे ये प्लेयर्स? 12 बॉल में 43 रन, से एक और डॉट बॉल हो चुकी है, अब 11 बॉल में 43 रन चाहिए। तो हाँ, ऑफिशियल तौर पे नहीं, पर हाँ जो हमें अंदाज़ा है कि हम अनाउंस कर देते हैं कि ये काम हो तो नहीं पाएगा, मतलब 10 बॉल में 43 रन, अब तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल, एक और डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ इस मैच को काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि बची हुई बॉल में अगर हर बॉल पर चौका भी लग जाए तो भी ये मैच नहीं जीता जा सकता, और अगर हम कहें कि हर बॉल पर छक्का तब कुछ चांस है। यहाँ पर फिलहाल अब 8 बॉल बची हुई है, एक और डॉट बॉल, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डॉट बॉल नहीं, एक सिंगल भी, ओहो, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये 1 रन के लिए ही कम से कम भागते तो कुछ रन्स कम होते, अगर यहाँ से हर बॉल पर छक्का लगा तो मैच टाई हो सकता है, और बिल्कुल यहाँ पर एक छक्का लग चुका है, पर क्या अगले ओवर में हर बॉल पर छक्का लगेगा? 6 बॉल पर 6 छक्के, ये काम इस गेम में सिर्फ एक बार हमने देखा है, इस गेम में मतलब WCC 3 में नहीं, पर हाँ WCC 2 में सिर्फ एक बार हमने 6 बॉल पर 6 छक्का लगाते हुए देखा है, और वो भी सिर्फ खुद ही को हमने लगाते हुए देखा है, वो भी एक बार, पर उसके अलावा WCC 3 में तो हमने ये चीज़ कभी नहीं देखा। यहाँ पर फिलहाल ये फुल टॉस लेंथ की बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ इस मैच को हम जीत चुके हैं। 5 बॉल में 37 रन चाहिए, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर नो बॉल हो गई तो फिर चांस है। ओके, ये एक और डॉट बॉल, और इस डॉट बॉल के साथ अब यहाँ से 4 बॉल में 37 रन चाहिए। फिर से एक फुल लेंथ की बॉल, और देखना होगा क्या करते हैं ये, पीछे की तरफ शॉट खेला इन्होंने, और सिंगल या डबल कुछ भी नहीं, ना सिंगल ना डबल, और वहाँ पर हम मौजूद थे, बहुत ही कमाल का थ्रो और तेज़ थ्रो। इस ओवर की ये चौथी बॉल है, 3 बॉल में 37 रन चाहिए, मैच तो आप हार चुके हैं, पर देखना ये होगा कि आप कितने रन्स बना पाते हैं। यहाँ पर ये लॉफ्टेड शॉट है और एक छक्का है, और इस एक छक्के के साथ 41 रन्स पर पहुँच चुकी है विदर्भा स्टार्स की टीम, और 2 बॉल अभी भी बची हुई हैं, तो हम देखना चाहेंगे। यहाँ पर फिलहाल सामने की तरफ ये शॉट है और फील्डर मौजूद, बहुत ही तेज थ्रो, कमाल की फील्डिंग हुई है आज, और ये आखिरी बॉल है, देखना होगा क्या इस बॉल पर कुछ रन आते हैं या नहीं। लॉफ्टेड ये शॉट है, शायद ये छक्का हो सकता है, और ओहो, ये यहाँ पर कैच, और बिल्कुल ये विकेट, ऐसे ही एक विकेट के साथ शुरुआत हुई थी इस मैच की, और हमने अंत भी किया है इस मैच के साथ, और ये बीच में यहाँ पर हम ही मौजूद हैं, डूबे जर्सी नंबर 29 और मैन ऑफ द मैच, 46 रन की 17 बॉल में एक कमाल की इनिंग्स खेली इन्होंने, और मैन ऑफ द मैच के हकदार इनसे ज़्यादा तो और कोई हो ही नहीं सकता।